लाला कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या हुआ ये लाहौर कलंदर्स, क्या चेस करने का प्रेशर हैंडल नहीं कर सका, बिकॉज लाहौर कलंदर्स जो है वो रेगुलरिटी में बैट फर्स्ट, डिफेंड द टोटल, ये उनकी पूरी पीएसएल 8 में जो है ये उनकी उनकी टीम का कैरेक्टर रहा, और अब जो डिफरेंट हुआ तो मुश्किल हो गया उसको फेस करना। देखिए सवेरा, मैं समझता हूँ कि हमारे साथ धांधली हुई है। सबने वोट दिया था लाहौर को और वो जी हमारे साथ धांधली हो गई, ठीक है ना। देखे सवेरा, पहले तो मुशी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह एक्सेलेंट जॉब, और गुड लक फाइनल के लिए भी, गुड लक है आपको जी। देखिए मिसबा ने इस बात को पहले क्लियर किया था कि सेकंड बैटिंग के अंदर लाहौर जो है ना वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, और नो डाउट जो टॉस था वो क्रूशल था, और मेरे ख्याल में अच्छा लेके चले थे लाहौर वाले, जिस तरह का कि 90 पे 3 आउट थे एंड देन फिर 5-6 ओवर बाकी थे। देखिए हमेशा से लाहौर की स्ट्रेंथ रही है, आखिर के डेप्थ ओवर की हम बात करते रहे, और मैं समझता हूँ कि शाइन की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जहाँ पे जरूरत थी, बहुत ही ज्यादा रन उसको पड़े हैं, और पोलार्ड को भी इस बात का क्रेडिट दूंगा कि बड़े अच्छे मौके पे कुछ अच्छी बॉलों पे उसने बड़ी अच्छी शॉटें मारी हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इनका हो गया था, इनका 60 प्लस स्कोर था, तो मेरे ख्याल में लाहौर के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था, और वो जिस प्लान के हिसाब से खेले हैं, बैटिंग की है, मेरे ख्याल में वो बैटिंग प्लान उनका कुछ समझ नहीं आया कि जाके इस तरफ रहे, ठीक है विकेटें गिरती हैं, लेकिन अब कहीं पार्टनरशिप नजर नहीं आई, पिच को रीड नहीं कर पा रहे थे, बॉल को आने नहीं दे रहे थे क्योंकि नया बॉल कट रहा था, तो वहां पे थोड़ा सा उनको टाइम लेना चाहिए था उनके बैट्समैनों को, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए वो लोग। और मेरे ख्याल में वंस अगेन मुल्तान की जो एफर्ट थी बैटिंग बॉलिंग में, दोनों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। फील्डिंग देखें तो लाहौर की फील्डिंग भी बहुत ही खराब थी, तो जाहिर बात है आप फील्डिंग भी खराब करो, बॉलिंग भी, बैटिंग भी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप जीतोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, और बिल्कुल जाहिर सी बात है ऐसा पॉसिबल नहीं है जब आप तीनों ही शोबों में जो है वो बेहतर ना कर सकें। दिस इज़ दी थर्ड लोएस्ट टोटल इन पीएसएल हिस्ट्री, 76 पे जो है वो ऑल टीम का आउट हो जाना। मिसबा, कल क्या कंडीशंस भी मुश्किल थी, बिकॉज कल जब हम पिच पे नज़र डालते हैं तो बड़ी वो ऐसे उस पर जो है वो कहते हैं स्नेक स्किन टाइप की पिच लग रही थी, जिस तरह उसके ऊपर जो है वो ग्रास थी, बट मुश्किल था क्या इस पिच पे बैटिंग करना, व्हाट डू यू असेस? देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो आपको कंडीशंस को असेस करना, पिचेस पिच को असेस करना, उसके बगैर बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है लाहौर बिल्कुल वही सेम स्ट्रेटजी, जैसे फ्लैट पिच पे आप जिस किस्म की बैटिंग पिक करते हैं, जिस किस्म की बॉलिंग करते हैं, वो बिल्कुल उसी माइंड सेट में थे, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है टीमों के लिए, क्योंकि लाहौर की जो बैटिंग लाइनअप अगर आप थ्रू आउट देखें ना, एक अब्दुल्ला शफीक ऐसा बैट्समैन है जो चैलेंजिंग कंडीशंस आएंगी तो वो ऐसा बैट्समैन है जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो वहाँ पे उस चीज़ को नेगोशिएट कर सकता है, अडेप्टेबिलिटी जो होती है वो कर सकता है। अदरवाइज बाकी जो उनकी सारी बैटिंग लाइनअप है, गेंद जब भी थोड़ा बहुत होगा सिंग या स्विंग होगा दे विल स्ट्रगल। ऑन द अदर हैंड मुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो बैलेंस है, उनके पास रिजवान जैसा प्लेयर बरेली रोसो हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं इन कंडीशंस को। तो सबसे पहली वजह टॉस हार गया लाहौर, एक मेंटली उन पे वो वाला प्रेशर, देन जब ऐसी पिच होगी तो लाहौर की बॉलिंग को भी नुकसान होगा, लाहौर की बैटिंग को भी नुकसान होगा, उनकी बैटिंग इस पिच पे उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं फखर जमान भी जहाँ बॉल आएगा थोड़ा सा पिच अच्छा होगा बैटिंग के लिए, वो बहुत बड़ा एक थ्रेट बन जाता है, लेकिन सीम स्विंग हो रहा है तो उसके लिए भी इतना आसान नहीं है, और वो बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं उस पर। और फिर बॉलिंग में क्या होता है कि जब दूसरी टीम को एडवांटेज, आपका जब बॉलिंग क्वालिटी अच्छी होती है तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी बैटिंग को उसका एडवांटेज मिले, थोड़ी सी फ्लैट पिच मिले, क्योंकि इनकी बॉलिंग तो फ्लैट पिच पे भी मुझे लगता है ज्यादा बेहतर बॉलिंग करती है। इवन हारिस रऊफ है, जमान है, शाहीन ऐसा बॉलर है जो हायर कंडीशन में बेहतर बॉलिंग कर सकता है, लेकिन बाकी जो है उनको फ्लैट पे ज्यादा सूट करती है, तो वो कोई एडवांटेज उनको इतना उस चीज का हुआ नहीं। और वो जो आप कहते हैं ना मुल्तान ने उन कंडीशंस का बेहतर उसको असेस भी अच्छा किया, उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि यार ये पिच मुश्किल है, फर्स्ट 10 ओवर यहाँ पे हमें थोड़ा सा देख के खेलना है, एक बेस सेट करनी है, और फिर हमारा जो टोटल है
वो 160 या 170 तक अगर हम कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर देम. सो फुल क्रेडिट टू मुल्तान. लाहौर के लिए मुश्किल, और मुझे लगता है कि टीम पिक करने में भी ताहिर बेग को आप खिला रहे हैं. आपने कंडीशंस देखी हैं कि यहाँ को सर्कल लूटने वाली बात नहीं है. यहाँ तो आपको पहले 6 ओवर एक बेस चाहिए. अगर आप कामरान गुलाम थोड़ा बेहतर बैट्समैन है, 4 डे में रन किए और टेक्टिकली बेहतर है, तो क्यों नहीं आपने उसको पिक किया. और फिर आप ग्रीन पिच पे भी आपके सारे मेन बॉलर वो बॉलिंग कर रहे हैं फ्लैट पिच वाली, और 38-35 ये को बॉलिंग नहीं है कि हम अच्छी बॉलिंग हमने की है. भाई दूसरी टीम के बॉलरों ने 10-10, 12-12 दे के रन्स दे के 3-3, 4 ओवर्स में आपको बांध के रख दिया. उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की है. आपने जो है ना वो इधर भी डेथ बॉलिंग कर रहे हैं उस तरह की, और आपके जो फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट 9 एंड ओवर है. 9 एंड ओवर इज नॉट अ गुड बॉलिंग ऑन दैट सॉर्ट ऑफ बॉलिंग सरफेस आप कहेंगे इसको, थोड़ा सा अर्ली ऑन तो स्पेशली. तो आई थिंक वो सारा जो प्लान था, सारा कुछ था, वो बिल्कुल कंडीशंस ने भी हेल्प नहीं की लाहौर को. मुल्तान ने बहुत अच्छा खेला, मुल्तान ने कंडीशंस को भी बेहतर असेस किया, और फर्क आपको साफ नजर आया. बिल्कुल कंडीशंस को अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से अडेप्ट करना, उसका बिल्कुल फुकदान दिख रहा था लाहौर की टीम में. बट इमाम, ओवर द PSL सीजन, ये PSL 8 के दौरान हम बात कर रहे थे कि अब लाहौर का ये नोशन चेंज हो गया है कि नहीं जी फखर जमान नहीं चलेंगे तो लाहौर नहीं जीतेगा. मगर फिर कल से फिर एक दफ़ा ये लगा कि नहीं जी अगर फखर जमान नहीं चलेंगे वो उनके लिए कंडीशंस मुश्किल होंगी या वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, तो आगे रिलाय करने के लिए कोई भी रिलायबल नहीं रहा. एक सैम बिलिंग्स थोड़ा सा रिजिस्ट करते हुए दिखे, वो भी 27 बॉलों पर सिर्फ 19 रन जोड़ सके. के अलावा उनकी बैटिंग नहीं है. देखें पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने, उनके बैट्समैनों ने अच्छा खेला है, जिसको भी अपॉर्चुनिटी जहां जहां पे भी मिली है और उन्होंने परफॉर्मेंस दी है. तो ये नहीं कहूंगा कि अब फखर नहीं चलेगा. यस ये हो गया बिल्कुल, एक क्रंच सिचुएशन में ऐसा ज़रूर हुआ कि फखर नहीं चला. तो बहुत सारे उनके दूसरे बैट्समैन भी अगर आप देखें तो उन्होंने कल सब ने स्ट्रगल किया है. तो उसमें क्रेडिट मुल्तान को जाता है, जैसे मिसबा भाई ने बात की कि अगर आप देखें अनवर अली, अब्बास अफरीदी, एहसान उल्ला, इनको ये कंडीशंस लाहौर के बॉलर से ज़्यादा सूट करती है क्योंकि ये हार्ड लेंथ हिट करते हैं और बीच में जाके इनका वॉबल सीम से थोड़ा बहुत सीम होता है और 4 डे क्रिकेट ये ज़्यादा खेले हुए इनसे. तो जो जमान है और ये हारिस है ये इतनी ज़्यादा 4 डे क्रिकेट भी नहीं खेले हुए, सिर्फ एक शाहीन है. और उसके अलावा तो उन्होंने ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ किया, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा फेवर उनको गया मुल्तान को. और दूसरी बात ये है कि देखें ये ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं. अनफॉर्चुनेटली जैसे मैं आपको कहूँगा कि हाँ उनके क्वालिफायर ऐसी एक क्रंच सिचुएशन में आ गई कि जहाँ पर उनकी बैटिंग कोलैप्स की, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो रीगैदर करेंगे. आप देखें एक मैच से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि इनकी बैटिंग. हाँ जी, जब बिलिंग्स और अब्दुल्ला नहीं थे तब मुझे भी था और मिसबा भाई को और सबको हमारे पैनल को था कि यार हाँ ये अगर, तब मुझे था कि अगर फखर आउट हो गया तो कुछ नहीं हो सकता है कि काफ़ी लाहौर स्ट्रगल करेगा. बट अब मैं सिर्फ इस पे ही स्टिक करूंगा कि फखर के अलावा भी अब इनके पास क्वालिटी बैट्समैन हैं जो कि गेम चेंज कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली कल वो नहीं हुआ और इनको सोचना चाहिए कि जैसे लाला ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, येस इट्स T20 क्रिकेट, आपको जो है काफ़ी आगे खेलना पड़ता है, स्ट्राइक रेट का बहुत ख्याल रखना है. लेकिन आप देखें तो सही अगली टीम ने कितना किया है, 160 किया है, और आपके पास ऐसी है कि जहाँ पे फंस के, जिसे हम एक क्रिकेटिंग वर्ड्स में कहते हैं फंस के बारी लेना आपको आनी चाहिए. ये भी एक अडॉप्ट आपको करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से कि यार हाँ अगर मैं अपने टीम के लिए इधर 20-25 बॉल खेल के रना बॉल भी खेलूंगा तो उसके अलावा मेरा टीम का फायदा है और फिर यहाँ पे स्ट्रोक्स लगेंगे. और दूसरी बात देखें, हमें क्रेडिट देना चाहिए पोलार्ड को. आप देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि पोलार्ड पूरे सीजन में ऐसा लग रहा था कि यार हाँ ऑफ कलर है, वो वाली फॉर्म नहीं है, लेकिन जब आप बड़े प्लेयर का आप देखें तब भी फायदा होता है कि वो क्रंच सिचुएशन में अपने आप को बताता है कि हाँ यार मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मुझे प्रेशर हैंडल करना भी आता है. और उसने शाहीन को, मैं मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की कल शाहीन ने, अच्छे बॉल पे भी उसने एक दो शॉट बहुत ज़बरदस्त मारे हैं और जो ऐसा लगता है कि वो पोलार्ड ही मार सकता है क्योंकि जिसका कि उसने एक दो यॉर्कर्स थे उसने टांग क्लियर करके मारा.